हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता हूं, तो आज भी आपके लिए कुछ ऐसा ही ट्रिक लेके आऊं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आऊं जो आपको हर जगह काम आएगा, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपको हर जगह इसे यूज करना होता है, क्योंकि ट्रिक का नाम है क्यूब रूट। आप समझ ही गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं आपको मैं, चाहे वो दो डिजिट का हो या फिर फोर डिजिट का हो या कितने भी डिजिट का हो, क्यूब रूट आप सेकंड में निकाल पाओगे, ऐसा एक ट्रिक लेके आओ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बात समझनी होगी, कुछ बात आपको जाननी होगी, तभी ये ट्रिक को आप यूज कर पाओगे। वो बात क्या है, देखिए यूनिट प्लेस है, तो आप देख सकते हो यहां पर 145690 ये वो नंबर है जिसका क्यूब निकालने पर यूनिट प्लेस जो है वो सेम ही रहता है। तो आप देख सकते हो 1 का क्यूब निकालने पर यूनिट प्लेस देखिए 1 ही है। उसी तरह देखिए 4, देखिए यहां पर 4 का क्यूब निकालोगे तो यूनिट प्लेस देखिए 4 ही है, मतलब सेम ही है। और देखिए 5 का क्यूब निकालोगे तो यूनिट प्लेस देखिए 5 ही आता है। उसी तरह देखिए 6 का क्यूब निकालोगे तो यूनिट प्लेस जो है वो 6 ही आता है। और देखिए 9 और ये यहां पर देखिए 10 मतलब 0, ये दो नंबर का भी अगर क्यूब निकालोगे तो यूनिट प्लेस देखिए सेम ही आता है। तो इतना आपको समझ में आ गया देखिए कि 145690 ये वो नंबर है जिसका क्यूब निकालने पर यूनिट प्लेस जो सेम आता है। अब बात करेंगे, देखिए ये चार नंबर की बात करेंगे, तो 2 और 8 जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कहने का मतलब यहां पर ये है कि 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा और उसी तरह से देखिए 8 का क्यूब करोगे तो 2 आएगा, मतलब ये दो नंबर जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए 3 की बात करें तो 3 और 7 जो है वो भी एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर 3 का आप क्यूब करोगे तो 7 आएगा और देखिए 7 का आप क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस जो है वो 3 आएगा, मतलब ये दो नंबर भी एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया है तो इसमें आपको समझा देता हूं। देखिए आप देख सकते हो यहां पर 8 है, तो यहां पर 8 है अगर, तो यूनिट प्लेस क्या होगा, देखिए अगर 8 होगा तो 2 लिखना पड़ेगा, अगर यहां पर 2 होता तो आप 8 लिखते, तो यहां पर 8 है तो यहां पर आप 2 लिखोगे, क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए यहां पर देखिए क्यूब रूट है तो यहां 3 है, 3 मतलब क्या होगा, पीछे से आप 3 नंबर कट कर दोगे, 1 2 3 आपने कट कर लिया। अब ध्यान दोगे 10 जो है वो 2 और ये 3, ये दो नंबर के क्यूब के अंदर आता है ये, तो आपको क्या करना है, देखिए बड़े नंबर को कैंसिल कर देना है और छोटा नंबर को आपको यहां पर लिख देना है और आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक मेथड लगा सकते हो आप, वो भी सिंपल ही है, बस थोड़ा सोच समझने में थोड़ा अंतर है। देखें यहां पर 10648, अब यहां पर 8 है तो यूनिट प्लेस यहां पर 8 है तो क्या आएगा, देखिए 2 आएगा, तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा और पीछे से 3 नंबर में कैंसिल कर लूंगा। अब देखिए 10 जो है 2 के क्यूब से ज्यादा है, तो 2 के क्यूब से ज्यादा है तो आप यहां पर 2 लिख दीजिए, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं क्लियर कर दिया होगा आपको मैं ये सारी चीज। चलिए और 2-3 सम लेते हैं जिससे एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर पाऊं। आपके लिए देखिए और भी सम लेके आऊं जिससे आपका एक कांसेप्ट मैं क्लियर कर पाऊं। देखिए आपके सामने देखिए सेकंड और थर्ड सम लेके आऊं, और भी आपको सम लेके आऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद क्यूब रूट निकालना आपके लिए आसान हो जाए। तो आप देख सकते हो यहां पे यूनिट प्लेस क्या है, देखिए 7 है और 7 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पर 7 है तो आप क्या करोगे, यहां पर 3 लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, क्यूब रूट है तो पीछे से 3 नंबर आप कैंसिल करोगे। उसके बाद देखिए आप 79 किसके क्यूब के बीच में आता है, तो आप देखोगे यहां पर 4 और देखिए यहां पर 5 के बीच में आता है, तो आप लिखोगे यहां पर 4 और यहां पर 5 लिखोगे। सबसे जो छोटा है उसे आप रख लोगे, बड़े को कैंसिल कर लोगे, तो आपका आंसर जो है 43 आपका आंसर हो गया। बहुत ही कमाल के रूप से आपने शुरू कर दिया और इसको खत्म भी कर दिया। अब देखिए यहां पर इसे सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हो यहां पर यूनिट प्लेस जो है 2 है, तो 2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 8 के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप यहां पर 8 लिख दोगे और पीछे से क्या करोगे, आप 3 नंबर कैंसिल कर लोगे, तो 1 2 3 कैंसिल कर लिया। अब 195 किसके बीच में आता है, आप देखोगे यहां पर 5 और 6 के बीच में आता है, तो यहां पर लिखोगे 5, यहां पे लिखोगे 6 लिखोगे। अब देखिए हमेशा की तरह बड़े नंबर को कैंसिल कर दीजिए, छोटा नंबर को आप यहां पे रख लीजिए, तो आपका आंसर जो है 58 राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये जो कांसेप्ट है आपका क्लियर हो गया है। अब देखिए ये सारे नंबर के सम लेके आता हूं मैं जिससे और भी आपको मैं कांसेप्ट क्लियर कर पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए और भी 2 क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे आपका कांसेप्ट मैं क्लियर कर पाऊं। आप देख सकते हो यहां पर देखिए 4th और 5th सम है,
है। ये सम को भी हम इजीली सॉल्व करेंगे। क्या करना है देखिए, यूनिट प्लेस देखना है आपको। तो यहां पर देखिए 4 है और आपको पता है कि 4 का क्यूब करने पर उसका यूनिट प्लेस जो है वो सेम ही रहता है, तो हम यहां पर 4 लिख लेंगे। उसके बाद यहां पर क्यूब रूट है तो पीछे से 3 नंबर हम कैंसिल करेंगे। आप देख सकते हो यहां पर 830 किसके बीच में आता है, तो आप देखोगे यहां पर 9 और 10 के बीच में आता है। तो 9 और 10 के बीच में आता है तो बड़े नंबर को कैंसिल करना है और छोटे नंबर को आप यहां पर लिख लोगे। तो आपका आंसर क्या आ गया, 94 आपका राइट आंसर आ गया। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यूनिट प्लेस जो 6 है, और आप जानते हो 6 का अगर क्यूब निकालते हो तो यूनिट प्लेस चेंज बिल्कुल नहीं होता है, तो अब यहां पे आप 6 लिख दोगे। उसके बाद पीछे से 3 नंबर आप कैंसिल करोगे। अब देखिए 636 किस नंबर के बीच में आ रहा, देखिए तो देखिए यहां पर 9 और 8 ये दो नंबर के बीच में आ रहा है। तो यहां पर देखिए 9 और यहां पर 8 लिख दिया। अब देखिए यहां पर ऊपर नीचे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, बड़े नंबर को कैंसिल करना है और छोटे नंबर को आपको यहां पे लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया है। अब देखिए इससे बड़े नंबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जिससे और भी कंसेप्ट आपका क्लियर कर पाऊं। अब आपके सामने देखिए आखिरी सम लेके आया हूं, 7 डिजिट का नंबर लेके आया हूं, और 7 डिजिट का नंबर का क्यूब रूट निकालना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आइए देखते कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो इतना बड़ा नंबर है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है यूनिट प्लेस देखना है। तो आपको पता है 4 का अगर क्यूब करोगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 ही होता है। तो यहां पर मैं 4 लिख देता हूं। उसके बाद क्या करूंगा, देखिए पीछे से 3 नंबर मैं कैंसिल करूंगा और आपके पास बचा है देखिए ये 4 डिजिट का नंबर बचा है। तो सिंपल फॉर्मेट देखिए, आप बताइए मुझे 10 का क्यूब आपका 1000 है और 11 का क्यूब आपको पता है 1331 होता है। तो ये दो नंबर के बीच में आता है, तो छोटे नंबर को हम ले लेते हैं और बड़े नंबर को क्या करते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, लिखना है यहां पर 104 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं हुआ है तो मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए ये जो नंबर है वो 10 और 11 के नंबर के क्यूब के बीच में आता है, तो छोटे नंबर को हम ले लेते हैं और बड़े नंबर को कैंसिल कर देते हैं, जिससे ये 104 आंसर आ गया है। अब आपको ये समझाना चाहता हूं मैं, 7 डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो, 9 डिजिट का हो, ये सारा कुछ कर पाओगे, लेकिन आपको जो है 1 से लेकर 25 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। देखिए छोटा मेहनत है आपका लेकिन बड़ा फायदा है आपको। तो ये चीज याद कर लोगे अगर आप, अगर तो ये सारे 7 डिजिट हो, 8 हो, 9 डिजिट हो, इजीली निकाल पाओगे, लेकिन वो क्यूब जो है वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, तभी आप ये ट्रिक को यूज कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है अगर तो लाइक कर देना, और कैसा लगा आपको ये चीज जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सके। और एक बार बताना चाहूंगा, देखिए इस वीडियो को जितना हो सके सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, सीखना है और दूसरों को सिखाना है, बस यही काम करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।